चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि दुनिया अगले महीने फ्रांस के पेरिस में होने जा रहे ओलंपिक खेलों की तैयारी में जुट गई है। लेकिन राजस्थान में पिछले 3 साल से ओलंपिक संघ में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ओलंपिक संघ में 2 अलग-अलग कार्यकारिणी के सदस्य खुद को सही और वास्तविक होने का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे को नकली बता रहे हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान ओलंपिक संघ के चुनाव के ऐलान के साथ ही घमासान शुरू हो चुका है। एक गुट ने नामांकन और वोटिंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास कहते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्वीकृति के बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे रोकने के लिए कुछ लोग निराधार आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनके पास न संवैधानिक खेल संघ है और न ही भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता। जिन अरुण सरस्वती की आप बात कर रहे हैं, जो पहले जनार्दन सिंह जी के साथ सचिव थे, उसके बाद नए चुनाव हो चुके, एक्टिंग सेक्रेटरी नए बन चुके। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट आज खोल के देखेंगे आप तो उसमें अरुण सरस्वत का कोई वजूद ही नहीं है। अनिल व्यास सवालिया लहजे में पूछते हैं कि अरुण सरस्वत खुद को इतना ही वैधानिक मानते हैं तो स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग के लिए कोर्ट ने उनकी स्टे क्यों खारिज कर दी? और यदि कोई वैधानिकता है तो उनके पास वैधानिक तरीके भी हैं, जैसे स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग के लिए वो कोर्ट में गए और इस पे स्टे लाना चाहते थे, कोर्ट ने उनकी स्टे एप्लीकेशन खारिज कर दी कि भाई इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि है वैधानिक है या वैधानिक है। अनिल व्यास जिस अरुण सरस्वत गुट पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद राजस्थान ओलंपिक संघ की चुनाव प्रक्रिया को असंवैधानिक बता रहा है। इंडियन ओलंपिक के जब चुनाव हुए उसमें पॉलिसी बनी थी।